बताओ तुम्हारा कौन सा मेरे साथ तो वैसे embarrassing moments का पूछे होते रहते हैं बट ये अक्सर मेरे साथ होता है कि कोई मुझे वेव कर रहा हूँ मैं वेव बैक करती हूँ पता चलता है वो किसी और को कर रहे हैं ऐसे हो जाता है कंफ्यूजन हो जाती है लाइक मैं वेव बैक इसलिए करती हूँ कि मुझे होता है कि कोई बुरा ना मनाए कि ये कितनी रूड है नहीं कर रही तो मुझे होता है कि शायद जानते ही हो मुझे तो वो पता चलता है किसी और को वो बोल रहा होता है अच्छा उसने बोला होगा लड़की बड़ी शुक्र है तुम्हारे तरफ वो कार्ड अपने आप को ऑफकोर्स व्हेन यू केम इन दिस इंडस्ट्री अपने आप को मनवाना मुश्किल होता है टाइम लगता है या टाइम लगता है पीपल डोंट टेक यू सीरियस सो हाउ डिड यू डू दैट What was the biggest breakthrough you got and who helped you? The biggest breakthrough jo mujhe mila tha wo tha last year mere hamsafar ड्रामा था जिसमें आई वॉज हानी आमिर यंगर सिस्टर तो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी दैट ड्रामा वॉज अ हिट तो जब वो हुआ ना तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ लाइक अब लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि ये हाँ शी कैन एक्ट एंड मतलब आई गॉट द रिस्पेक्ट दैट आई डिजर्व्ड उससे पहले तो लाइक वो था एक स्ट्रगल फेज चल रहा था तो उसके बाद थिंग्स गॉट बेटर फॉर मी कभी ऐसे हुआ है दैट यू फेल्ट बुलीड ऑन सेट और जस्ट फेल्ट ऑकवर्ड और इन द वेरी स्टार्ट ऑफ माई करियर ऐसे होता था कि नाम नहीं बताओ बस उसकी शक्ल दे बताओ मुझे ना अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मैं किसी स्पेसिफिकली किसी ने नहीं बट वो आपको स्टार्ट में फील होता है बिकॉज आप इतने नोन नहीं होते ना तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती जो हर इंसान को मिलनी चाहिए इंसान की रिस्पेक्ट होती है बट यहाँ पर होता है कि नाम की रिस्पेक्ट हो रही होती है कि आप जितने नोन उतनी ज़्यादा मिलेगी तो वो उस वक्त मुझे ये चीज़ें फील होती थी बट वो इवेंचुअली अगर आप इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड तो कोई बात क्या होता है एक बार हम आउटडोर शूट कर रहे थे और वो मेमनगोट का एरिया था मलीर का तो वो बहुत आउटडोर सी लोकेशन है वहाँ वैनिटी वैन का होना ज़रूरी होता है तो वो मुझे वैनिटी वैन से एक्ट्रेस ने निकाल दिया था कि दिस इज माइन ओनली आई विल सिट हियर तो वो मैं बाहर उस वक्त निकल गई थी और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे बट बस फिर मैंने कुछ भी नहीं किया लाइक शी लुक्स प्रिटी अच्छी है वो बहुत बट पता नहीं उसने ऐसे क्यों किया था ओके दैट्स वेरी वियर्ड आई थिंक दैट One should always remember but one I thing. did not complain. I should have complained, but बस मैंने कहा कि एक बात बता अगर कोई that इलाका is quite also dangerous. Okay. It is. तुम्हारा फोन चला जाता फिर क्या फोन चला जाता वो मतलब सारे accounts तो तुम्हारे फोन में होते वो सारा बंदा वो hack करके तुम्हारे accounts देख रहा होता And अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा break. Break के बाद आप सेंगे stay tuned. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.